Welcome back everyone. Today we will continue with the 9th class history, chapter 1, the French Revolution. अब तक जो है हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, कब हुआ और फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, क्या क्या रीजंस रहे वहाँ पे। अभी इसी को हम फर्दर जो है डिफाइन करते हुए आगे चलते हैं। इसमें हम देखते हैं द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, क्योंकि आउटब्रेक जो हुआ, कैसे वो रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, वो निकला बाहर। हमने देखा था कि भाई लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस, उसको टैक्सेस बढ़ाने पड़े, ठीक है, क्योंकि भाई इतना ज्यादा उसके ऊपर पहले से ही कर्ज था, तो ही हैड टू इंक्रीज द टैक्सेस। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम इन द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। तो जो पुराना ओल्ड रेजिम था, पुराना शासन था फ्रांस का, उसके अंदर जो आपका मोनार्च था, यानी कि राजा जो अकेला होता था, वो खुद टैक्सेस इंक्रीज नहीं कर सकता था, उसके पास इतनी पावर नहीं होती थी। रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द एस्टेट जनरल व्हिच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो उसको जो अपने एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी और फिर उसके उनके सामने जो है प्रपोजल रखना पड़ता था, तो उस प्रपोजल को, टैक्स के प्रपोजल को पास करते हैं। सो द एस्टेट जनरल वॉज अ पोलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री एस्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो एस्टेट जनरल जो है आपकी एक पोलिटिकल बॉडी होती थी, जिसके अंदर जो है आपके थ्री एस्टेट्स जो थे, आपके तीनों एस्टेट हमने पढ़ दिया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे उसके अंदर, ठीक है। सो ओनली द मोनार्च अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग एंड लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1614। अब मीटिंग कब बुलानी है इन तीनों स्टेट्स की, वो खाली राजा डिसाइड कर सकता था, मोनार्च डिसाइड कर सकता था, और लास्ट टाइम ये आपकी 1614 में हुई थी। सो ऑन 5th May 1789 लुई 16 कॉल्ड असेंबली टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो 5th मई को 1789 को उन्होंने आपके लुई 16 ने जो है असेंबली बुलाई अपनी, ठीक है, प्रपोजल जो पास करवाना था उसको। So for that, a big hall in Versailles was decorated for the meeting. तो Versailles के अंदर आपका एक बड़ा सा हॉल सजाया गया, बनाया गया मीटिंग के लिए, this one. So first and second estate sent 300 representatives each, who were seated in row facing each other on two sides, while 600 members of third estate had to stand at the back. तो यहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने 300 जो है, दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, उन्होंने अपने 300-300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे यहाँ पे, वो दोनों एक दूसरे के सामने फेस किए हुए बैठे थे। बट जो थर्ड स्टेट वालों ने 600 मेंबर भेजे अपने, उनको उनके पीछे खड़ा होना पड़ा, ठीक है, उनको जो है वहां पे बैठने के लिए भी जो जगह नहीं मिली। So the third estate was represented by its more prosperous and educated members. तो third estate के अंदर जो है जो काफी संपन्न थे, जिनके जो शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, educated थे, वो उनको representative अपना बनाया गया था। So peasants, artisan and women were not allowed to enter in the assembly. तो किसान, कारीगर और औरतों को उसके अंदर assembly के अंदर आने के लिए allowed नहीं किया गया। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them. तो उनके जो दुख और उनकी जो मांगे थी, उनको जो है 40,000 letters के अंदर भर के जो है representative उस assembly के अंदर लेके आए थे। Voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. तो जो अब से पहले वोट होती आई थी, उसके अंदर यही था कि भी पहली वोट, यानी कि एक एस्टेट एक वोट, ठीक। तो अब यानी कि तीन एस्टेट और तीन वोट, ठीक है, तो तीन एस्टेट तीन वोट। दिस टाइम लुई 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू विद द सेम प्रैक्टिस। तो लुई 16 भी सेम प्रैक्टिस के साथ, इसी के तीन एस्टेट तीन वोट के साथ वो चाहता था। बट मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी डन बाय ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। यानी कि तीन एस्टेट थे, तीनों फर्स्ट और सेकंड तो थे ही अपने राजा के साथ, तो वो तो राजा के खिलाफ वोट कैसे डालेंगे, और बचा एक एस्टेट थर्ड एस्टेट, तो अकेला वो वोट डाल के जीत नहीं सकता था। तो इसका उन्होंने जो है विरोध किया, कि डिमांड की कि भाई हर एक मेंबर, जितने भी मेंबर हैं टोटल 300, 300 एंड 600, उनकी टोटल वोट, हर एक मेंबर की अपनी खुद की एक वोट होनी चाहिए, ठीक है। सो
This was the democratic principle given by philosopher like Rousseau in his book The Social Contract. तो ये आइडिया जो था आपका डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल वाला, वोट पर मेंबर पर वोट, ये आपका रसयू ने दिया था अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसकी बुक के अंदर. सो व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट वर्क आउट ऑफ असेंबली इन प्रोटेस्ट. तो राजा तो ने मना कर दिया, क्योंकि राजा को पता था अगर ऐसे हर एक मेंबर को वोट दे दी तो हार जाएगा. तो इसके विरोध में जो है, जो थर्ड एस्टेट था वो वहां से वॉकड आउट कर गया. जो किसान और पीजेंट्स का जो थर्ड एस्टेट था, जो ग्रुप था, वो वहां से उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए बाहर निकल गया असेंबली. ऑन 20 जून दे असेंबल इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ बर्सिलोना. तो 20 जून को ये अपने ग्राउंड कोर्ट में, टेनिस कोर्ट के इंडोर कोर्ट में जो है इकट्ठे होते हैं, इंडोर टेनिस कोर्ट में. दे डिक्लेयर्ड नेशनल असेंबली एंड स्वोर टू मेक इंस्टीट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्च. तो उन्होंने वहां पर एक नेशनल असेंबली को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे नेशनल असेंबली जो डिक्लेयर की जा रही है आपकी. और इसके अंदर क्या किया उन्होंने, डिमांड की, सॉरी, उन्होंने जो है स्वोर किया, कसम खाई, शपथ ली कि भी जो फ्रांस के अंदर है जो लिमिट पावर है मोनार्च के पास, जो पावर अपने यूज करता है, उसको लिमिट कर दिया जाए, उनको लिमिटेड बना दिया जाए कि भी इतनी ज्यादा पावर वो अब यूज नहीं कर सकता, उसके ऊपर कंट्रोल है. दे वर लेड बाय मीराबियू एंड अबेसियसिस. तो वो जो है मीराबियू और अबेसिस के द्वारा जो लीड किए गए, उनके जो लीडर थे. एंड मीराबियू वाज बोर्न इन ए नोबल फैमिली बट वाज कन्विंस्ड टू एंड अप द सोशल राइट्स. तो जो मीराबियू था वो नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, यानी कि सेकंड, फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले ग्रुप से बिलोंग करता था, बट वो कन्विंस हुआ, यानी कि उसे पता था और उसने सपोर्ट किया कि भी जो स्पेशल राइट्स हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए, ठीक है. एंड अबे अबेसियस ओरिजिनली ए प्रिस्ट रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट. और अबेसियस तो जो आपका ओरिजिनली एक प्रिस्ट था, पादरी था, वो तो पैम्पलेट लिखता रहता था इन्हीं के सपोर्ट में, और उसी ने एक फेमस जो है इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट. सो ये सिचुएशन वहां पर क्रिएट हुई यहाँ तक. अब एक चीज और इसमें आ गई, ऐड होगी. ए सेवर विंटर हैड मेंट ए बैड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज्ड, ऑफ्टन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड कलेक्टेड सप्लाई. तो जो कड़ाके की ठंड पड़ गई है वहां पे, जिसकी वजह से जो आपकी फसल थी वो खराब हो गई, और इसकी वजह से जो ब्रेड, जो बेसिक फूड था सबके लिए, उसका प्राइस जो है वो ज्यादा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया. और जो बेकर्स थे जो ब्रेड बनाते थे, उन्होंने भी इस चीज का फायदा उठाया, एक्सप्लॉइट किया सिचुएशन का, और सप्लाईज तो जो थी, जो अनाज था, उसको जो है कलेक्ट कर लिया, स्टोर कर लिया, ठीक है. सो आफ्टर इस सिचुएशन के बाद, आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज इन एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन फोर्सफुली एंटर्ड इन द शॉप. तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने के बाद की भी लंबी लंबी लाइन लगने लगी खाने के लिए. तो इसकी वजह से, लंबी लाइन में लगने की वजह से, दुखी होने की वजह से, जो वुमेन्स थी आपकी, वो दुखी हो गई और फोर्सफुली एंटर कर गई शॉप के अंदर, ठीक है. ये फोर्सफुली एंटर कर गई शॉप के अंदर. एट द सेम टाइम किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस. और उसी टाइम पे जो है किंग ने जो है ऑर्डर दे दिए ट्रूप्स को पेरिस के अंदर जाने के लिए, कि भाई आप जो है लोगों की भीड़ को जो कंट्रोल करिए. सो ऑन द 14 जुलाई एंग्री क्राउड डिस्ट्रॉयड द बस्टाइल. तो आपका जो हमने देखा था 14 जुलाई को उन्होंने बस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है. सो इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड दैट किंग हैड हायर हायर सॉरी हायर जो किराए पर लेना, हायर ग्रुप ऑफ डेकॉयट्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स. तो उन्होंने क्या कि रूमर्स भी फैलने लगी, अफवाहें फैलने लगी, कि राजा ने जो है किराए पर जो है डकैतों को किराए पर ले लिया है, और जो है अपने रास्ते पर है वो पहुंचने लग रहे हैं आपकी फसलों को, पकी हुई फसलों को जलाने के लिए, खराब करने के लिए. सो ड्यू टू फियर पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज होज एंड पिच फॉक्स एंड अटैक द फोर्ट. तो उसी के अंदर जो है, इसी से डरते हुए, इस चीज से कि भी उनको जला दे, वो जो अपने होज, खुदाले और फावड़े वगैरह लेके, ठीक है, जो पिच फॉक्स होते हैं अपने, उन चीजों को लेते हुए उन्होंने क्या किया, फोर्ट के ऊपर, किले के ऊपर अटैक कर दिया. सो दे लूटेड कलेक्टेड ग्रेन एंड बर्नट डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ टैक्सेस. तो उन्होंने क्या किया, वहां पर जो किले पर अटैक करने के बाद, वहां से जो पहले इकट्ठा कर रखा था ग्रेन राजा के द्वारा, उसको उन्होंने वापस से लूट लिया, और जो उसका रिकॉर्ड था टैक्सेस वगैरह का, डॉक्यूमेंट्स थे, उनको जला दिया.
A large number of nobles fled from their homes. Many of them migrated to neighboring countries. और जो बहुत ज्यादा जो है नंबर में आपके नोबल्स थे, फर्स्ट सेकंड कैटेगरी के एस्टेट के लोग, वो भाग गए अपने घरों से और मोस्टली जो है आपके वो आपके नेबरिंग कंट्रीज में माइग्रेट कर गए। फाइनली लुई 16 एक्सेप्टेड द नेशनल असेंबली एंड देयर डिमांड्स टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनली लुई 16 को जो है क्या करना पड़ा, उनकी नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करना पड़ा और उनकी डिमांड को भी मानना पड़ा कि भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। सो ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड एन ऑर्डर टू अबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम। तो जो आपकी 4 अगस्त 1789 को असेंबली हुई, जो उसमें एक ऑर्डर पास किया गया जो आपका फ्यूडल सिस्टम था, जिसके अंदर ए पीजेंट और वर्कर जो है नॉन एज वेसल रिसीव्ड अ पीस ऑफ लैंड इन रिटर्न ऑफ सर्विंग अ लॉर्ड और किंग स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर्स। तो ये सिस्टम जो था उसको लैंड मिल जाती थी, वो सिस्टम खत्म कर दिया गया और टैक्स सिस्टम था वो भी खत्म कर दिया गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। तो मेंबर्स जो के क्लर्जी के थे उनको भी जो है फोर्स किया गया कि भाई आप जो जो प्रिविलेजेस मिले हैं, जो अधिकार मिले हैं, उनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। एंड टेथेस वर अबॉलिश्ड एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च वर सीज्ड। तो टेथेस क्या होता है, आई थिंक आपको रिमेम्बर होगा, हमने लास्ट में कवर किया था, ठीक है, जो टैक्स था आपका, और चर्च के अंडर जो जमीन आती थी उसको भी सीज कर लिया गया। As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. तो इसी जो इतनी चीजें टैक्स खत्म किए और जो प्रॉपर्टी सीज की गई उसकी वजह से जो है आपकी गवर्नमेंट ने 2 million livres जो आपकी फ्रेंच करेंसी थी वो उन्होंने कवर कर ली, यानी कि रिकवर कर ली। ओके, तो इस तरीके से आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो मोनार्क सिस्टम चला उसके बारे में वी विल डिस्कस अबाउट दैट। थैंक यू सो मच।